दूसरा सवाल का जैसे होता है कि निकाह में फोर्स करते हैं कभी दावत के लिए लड़की वाले कि कर लो या इस तरह से होता है। देखिए, लड़की की तरफ का खाना ये हराम तो नहीं है, लेकिन ये यकीनन अगर इसको डिमोटिवेट करा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि इससे क्या होता है कभी कभार ये भी बड़ा बोझ बन जाता है। मैंने एक ऐसा निकाह देखा जो टूटा भी खाने की वजह से और हुआ भी खाने की वजह से। कैसा वाक्य यूँ है कि एक साहब ने निकाह तय किया एक लड़के से और उन्होंने डिमांड किया कि ये खाना चाहिए, इन्होंने कहा नहीं ये खाना देंगे, तो बोले रिश्ता टूट गया, टूट गया। अब हुआ ये कि शादी उसी दिन लड़की की हुई किसी दूसरे लड़के से, तो एक साहब ने जाकर पूछा आपने रिश्ता तोड़ दिया था और उस लड़के से क्या जो इससे पहले रिजेक्ट किया गया था, तो उससे क्यों किया, तो बोले खाने का सामान पूरा आ गया था ना, बोले तो वेस्ट हो जाएगा, बोल के कर दिया, टूटा भी खाने की वजह से और हुआ भी खाने की वजह से। तो शादी है या खाना असल था उसमें, समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन ऐसा हुआ। तो बहरहाल उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको लिमिट करना चाहिए, उसको दिखावे की शक्ल तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब अगर लड़की वाले फोर्स करें तो आप लोग उनको प्रैक्टिकली समझाइए, क्योंकि होता क्या है कि बाद में लोग लड़की को इतना बुरा भला कहते हैं कि तुमको ऐसा बोले थे हमने खाना नहीं होना, लेकिन तुम समझता नहीं क्या, तुम्हारे अब्बा को समझा नहीं क्या, इतना सा कर देना चाहिए था, हम तो नहीं बोलेंगे, तकल्लुफ में थे हम थोड़े, तो वो बार हर रोज़ किसको तकलीफ होती है, तो उससे अच्छा बोलते एक बार कर दो ताकि मुंह बंद हो जाए। तो लिहाजा आप पहले अपने खानदान वालों घर वालों को रेडी करें जहनी तौर से, फिर बोले कि देखिए हम सीरियस है इस मसले में, सीरियस ये कि हम नहीं चाहते ज़रा भी बोझ हो आपका, अब मैं दीन का काम करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ ज़िंदगी मुझे कोई बोले कि आपने तो खुद किया। समझाइए और उनको मनाइए। लड़की वालों से गुजारिश करूँगा आप खामोखा जिद ना करें, जब लड़का नहीं चाह रहा है तो एक अच्छी बात है, नहीं 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 वो बाद में तकलीफ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ है प्रैक्टिकली मैंने भी देखा, बहुत तकलीफ बाद में दी गई, पहले तो ना बोला गया और बाद में सारे खानदान तकलीफ दी। आप पहले वो कीजिए कि अपने खानदान वाले घर वालों को मना लीजिए, तो उसके बाद सीरियसली उनके सामने रखिए, इंशाल्लाह आप करेंगे तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो लोग ऐसे जिद नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कातो सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सीधे सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।